पांचवां पारा के बाद छठा पारा शुरू हो चुका है, लेकिन आदर्श सूरह निसा का आखिरी रुकू है। आज इंशाल्लाह सूरह निसा मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद सूरह मायदा का आगाज होगा। सूरह मायदा के आखिरी हिस्से में मुनासिबतें बहुत हैं और सूरह निसा के आखिर में भी दो आयतें खास तौर से ज़ाते अक़दस सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से भी आ रही है। यह अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि जब कारी कुरान करीम पढ़ता है तो हर मौके की बातें बराह रास्त ऐसा सामने आती हैं, लगता है कि अल्लाह मुखातब हैं और हमारी तरफ मुतवज्जे हैं और हम कलाम हक को सुनकर इस्तेफादा कर रहे हैं। मुनासिबत भी आप महसूस करेंगे कि क्यों तस्करा ऐसा आया। शुरू में आपने देखा निसा के शुरू में मीरास का जिक्र आया था, दरमियान में फिर मीरास का जिक्र आया और आखिरी आयत फिर मीरास का खत्म हो रही है। और ये बताने के लिए कि दूसरी अकवाम तो तौहीद में तस्वीर पैदा कर चुकी है। उम्मत मोहम्मदिया का शरफ यह है कि तौहीद पर ही कायम नहीं है बल्कि अदना अदना मसाइल यहां तक कि मीरास में भी अहकाम के मुताबिक अमल करती है। यह है असल तसल्लुत। हजरत ईसा इब्ने मरियम का तस्करा ऊपर से चल रहा था कि एक तबका उनके खुदा होने का इकरार करता है, एक तबका उनको खुदा का बेटा मानता है, एक तबका उनको तस्लीस यानी तीन के मजमुए को खुदा मानता है, ईसा मरियम रूहुल कुदस इन तीन के मजमुए को इलाह तस्लीम करता है। एक वक्त आया वक्त नजरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछा, सवाल किया कि आप तो किसी के मकाम को घटा देते हैं। फरमाया क्या बात है। कहा हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानने के बजाय अल्लाह का बंदा कहते हैं आप। जब वो अल्लाह के कलिमा है, अल्लाह की रूह है, अल्लाह के बेटे हैं तो उनको आप बंदा कहकर उनका मकाम घटा देते हैं। आका ने उन तमाम बातों को महसूस किया और यही आयत पढ़कर सुनाना शुरू किया। जब यह आयत नाज़िल हुई लुबाबुल मक़ूल फी असबाबि शानिन नुज़ूल, यह किताब है जिसमें तमाम आयतों का पसंद नकल किया गया। फरमाते हैं कि आयत आपने पढ़ना शुरू किया, लंगस्तन की फल मसीह यकून अब्दन लिल्लाह। उस दिन नजरान वालों तुमको आर महसूस होती है उनका बंदा कहने में, जबकि ईसा को आर महसूस नहीं होती, वो तो बंदा होने पर फख्र महसूस करते हैं। दुनिया में कोई निस्बत इससे ऊंची नहीं है कि कोई मखलूक अल्लाह का बंदा बन जाए, इससे बड़ा मकाम नहीं हो सकता। बंदा, जब किसी बंदे को लफ्ज बंदा पर पहले तवज्जो करो और गौर करो कि है क्या चीज। बंदा फारसी लफ्ज है, इसका अरबी लफ्ज है अब्द, और अब्द के माने आते हैं गुलाम के, और इबादत के माने गुलामी, और आबिद गुलामी करने वाला, और माबूद जिसकी गुलामी की जाए। अल्लाह माबूद है, सारे बंदे अल्लाह की गुलामी में लगे हुए। हर बंदा कहता है मैं आपका बंदा हूं, मैं आपका गुलाम हूं, लेकिन जब किसी बंदे को अल्लाह मुखातब करके कहते कि तू मेरा बंदा है तो उसके लिए इससे बड़ा फखरनामा और कुछ भी नहीं हो सकता। एक मजलूम शायर है, मजलूम बंदा हसन, वो कहता है बंदा हसन बसर नाज़ आपको माबूद और खुद को बंदा कहलाता है। एक मतलब आप भी अपना बंदा कह दो ताकि मालूम हो जाए कि हम वाकई आपके बंदे हैं, यानी ये निस्बत का तयक्कुन चाहते हैं। सबसे ऊंचा मकाम इंसानियत के शरफ के लिए मेरा बताया अल्लाह ने सातवें आसमान तक और अपनी मुलाकात तक। उस मौके पर अल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया, अब्द इस्तेमाल किया। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक वज़ात जो अपने बंदे को लेकर चली किसी भी मखलूक के लिए, इससे बड़ा शरफ हो नहीं सकता। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईसाइयो तुम्हें ईसा को बंदा मानने में शर्म आती है, लेकिन हजरत ईसा को बंदा कहलाने में फख्र महसूस होता है, उनको आर महसूस नहीं होती है। तुम तस्लीस के कायल हो, वो तौहीद के कायल है। तुम उनको इब्नुल्लाह कहते हो, अपने को अब्दुल्लाह कहते हैं। तुम उनको रसूलुल्लाह मानने के साथ साथ तस्लीस को तस्लीम कराते हो, लेकिन वो अपने लिए अब्दुल्लाह और अब्दुल रसूल ये लफ्ज कहने के बजाय अब्दुल्लाह और रसूलू कहलाते हैं, उनको अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल। इस आयत ने इसी ओहदे को खोला है। लन यस्तनकिफ इस्तिनकाफ, इस्तिनकाफ के माने आते हैं आर महसूस करना, अपने को कमतर महसूस करना, हतक महसूस करना, बेइज्जती महसूस करना, ये सब इस्तिनकाफ का तर्जुमा है। इसमें अल्लाह ने लफ्ज लन इस्तेमाल किया है। लन यस्तनकिफ हरगिज हरगिज आर महसूस नहीं करते अल मसीह ईसा इब्ने मरियम अन यकून अब्दन, यकी हुए वो बंदे लिल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाह का बंदा होने में उनको आर नहीं है। इसी मजमून को पीछे आ चुके हैं तीसरे पारे के आखिरी हिस्से में, वहां अल्लाह ने फरमाया माकान अल बशरिन अन युतीहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा थुम्मा यकूलु लिन्नास कूनू इबादा ली मिन दूनिल्लाह, किसी बशर को मुनासिब नहीं है कि अल्लाह उसे किताब दें, नबुव्वत दें, हिकमत की बात सिखाएं और वो बंदों से कह दे कूनू इबादा ली तुम मेरे बंदे बन जाओ, ये किसी को मुनासिब नहीं। कायनात में किसी बशर को मुनासिब नहीं जिसको अल्लाह ने किताब हिकमत दी हो, नबुव्वत दी हो, वो बंदों से कह दे कि तुम मेरे बंदे हो जाओ, किसी बंदे को ये मुनासिब नहीं है। यहां तक हजरत ईसा इब्ने मरियम भी अपने को इब्नुल्लाह नहीं कहला सकती। ये क्यों कहा गया, ऊपर की आयत लग चुकी है कि लोग तस्लीस के कायल थे, आपने कहा वला तकूलू सलासा, सलासा मत कहो, और उसके पहले आ चुके हैं अल्फाज वो कलिमतुहू अल्काहा इला मरियम वरूहुम मिनहु, ये अल्लाह के कलिमा है, अल्लाह की रूह है जिनको मरियम की तरफ अल्लाह ने डाला है। इसे लोगों ने शुबहा पैदा कर दिया कि वो अल्लाह के कलिमा है, अल्लाह की रूह है, तो वो अल्लाह के बेटे हैं, उनका कोई बाप नहीं, लिहाजा उनका बाप अल्लाह है। इस शुबहे को जाहिर किया अल्लाह ने, कलिमा इस वास्ते कहा कि फरिश्ता खुदा के हुक्म से मरियम के गरीबान में फूक मारता है, यह कलिमा है अल्लाह का, अल्लाह के कलिमा एक कुन से। यूं समझो इंसान के दुनिया में वजूद में आने के लिए दो आमिल कार फरमा है, एक तो उसके वजूद के लिए जाहिर सबब नुतफा है और दूसरा सबब अल्लाह का कलिमा एक कुन है, हो जा। जब अल्लाह कहते हैं हो जा तो वो शय हो जाती है, यहां दो में से एक सबब नहीं पाया गया, दूसरा सबब पाया गया। इसी वास्ते हजरत ईसा को अल्लाह ने कलिमा कहा, अल्लाह का कलिमा, अल्लाह के कलिमा एक कुन से फरिश्ते के रूह फूकने से वो पैदा हुई। वो रूह मिनहु अल्लाह की तरफ से रूह है, रूह क्या है, खुदा का हुक्म है, खुदा का हुक्म था वजूद में आ गए। और फिर इससे ज्यादा अल्लाह ने वजाहत कर दिया सूरह आलिमरान में कि ईसा की मिसाल आदम की तरह है, जैसे आदम बगैर मां बाप के पैदा हुए, ना कोई मां ना कोई बाप,
ایسے ہی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جب وہ خدا کے بیٹے نہیں تو یہ خدا کے بیٹے کیسے ہوئے؟ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہاں کہا جا رہا ہے کہ بندہ بننے میں کوئی آر نہیں ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، نہیں ہے کوئی استنکاف، نہیں ہے کوئی آر مسیح کو کوئی آر نہیں، ان یکون عبدا کہ ہو جائے وہ بندہ للہ اللہ کے لیے. صرف عیسیٰ کو نہیں فرشتوں کو بھی، وللملائکۃ المقربون اور وہ فرشتے جو مقرب ہیں ان کو بھی بندہ کہلانے میں کوئی آر نہیں ہے. مقرب فرشتے کتنے ہیں؟ چار فرشتے مقرب ہیں، جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل علیہ السلام. یہ چار فرشتے جو بڑے فرشتے ہیں یہ مقرب فرشتے کہلاتے ہیں، اور کچھ وہ فرشتے جو خدا کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ان کا نام ہے حاملان عرش، جس کا ذکر 24 پارہ سورہ مومن میں انشاءاللہ آئے گا. الذین یحملون العرش ومن حوله، جو لوگ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کے اطراف میں رہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ چار. وہ چار فرشتے ہیں، چار فرشتے. لیکن یہی عرش کو اٹھانے کے لیے قیامت کے دن جب اللہ کا جلال ہوگا تو چار فرشتے نہیں ہوں گے، آٹھ فرشتے ہوں گے. اللہ کا غضب، اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ یہ چار فرشتے نہیں اٹھائیں گے، آٹھ فرشتے اٹھائیں گے. سورہ حاقہ پارہ 29 اللہ کا صریح ارشاد ہے، یومئذ ثمانیہ، اس دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے. تو یہ مقرب فرشتے کہلاتے ہیں، ان میں سے کسی فرشتے کو شرم نہیں آتی اپنے کو اللہ کا بندہ کہلانے میں. جب مقرب فرشتوں کو شرم نہیں آتی اور عیسیٰ ابن مریم کو عبد کہلانے میں شرم نہیں آتی، تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے ہیں ان کو بندہ کہنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ یہ کیوں اصرار کرتے ہیں ان کو خدا کا بیٹا کہلانے پر؟ خدا کا بیٹا کہلانے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تثلیث کا عقیدہ رکھنے پر کوئی دلیل نہیں ہے. تثلیث کہنے والا خود اللہ فرماتے ہیں کفر کا عقیدہ رکھنے والا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے. ان تمام کی صفائی کے بعد ایک فیصلہ اصول، ایک ضابطہ اللہ فرماتے ہیں، ومن یستنکف عن عبادتی، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا اللہ کی عبادت سے، جو کوئی آر محسوس کرے گا اللہ کی عبادت سے، وہ استکبر اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم، تو اللہ ضرور جمع کرے گا ان سب کو الیہ اپنی طرف جمیعاً اکٹھا. جمع کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ یہاں پہ اتنا ہی کہا، آر محسوس کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو جمع کرے گا. جمع کرنے کے بعد دو حال سے خالی نہیں، دو صفتیں ہوں گی. پارہ 24 میں کہا اللہ نے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تکبر کی بنا پر مانگتے نہیں، اس لیے نہیں مانگتے اللہ سے کہ اپنی بڑائی میں حلف آ رہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، میرے سامنے تذلل اور عاجزی سے، میری بندگی سے استکبار کرتے ہیں یعنی بڑائی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، ان تمام کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. اللہ کے سامنے تذلل، اللہ کے سامنے عاجزی اور بڑائی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کبریائی کا اعتراف کرنا. اللہ فرماتے ہیں بندے کے لیے بندگی ہی زیبا ہے اور کبریائی اس کی ذات کو زیبا ہے. الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، کبریا میری چادر ہے، عظمت میری تہبند ہے، جو ان دونوں کو چھیننا چاہے گا میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا. یہاں الفاظ پر غور کرو، ومن یستنکف، جو آر محسوس کرے گا اس کی عبادت سے. اس کی عبادت کی کتنی شکلیں ہیں؟ جسمانی عبادت، مالی عبادت، روحانی عبادت، فکری عبادت، قلبی محبت، یہ سب اس کی عبادت کے طریقے ہیں. ایک نماز پڑھنے والا ان تمام کو جمع کر لیتا ہے، کیونکہ جیسے نماز میں سر جھکتا ہے، گھٹنے لگتے ہیں، انگوٹھے لگتے ہیں، ہاتھ لگتا ہے، آپ کا قلب بھی سبحان ربی اللہ کے ساتھ جھک جاتا ہے. اور اگر آپ کے قلب میں خدا کی عظمت نہیں ہے، اس کے بغیر سجدہ ہے، تو اس سجدے کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے. اللہ نے واضح اعلان کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہی مصلی کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اور خشاع کے معنی دب جانا اور جھک جانا اور پست ہو جانا، جیسے اس کی پیشانی جھک گئی اس کا دل بھی خوف خدا سے دب جاتا ہے، جھک جاتا ہے. اور خشعت الابصار، وہ خشعت الاصوات، اس کی آواز میں دبی ہوئی آواز محسوس ہوتی ہے، اس کی آواز اس کی رقت بتاتی ہے کہ خدا کے خوف سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. تو اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب بندہ ہے. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یقین کیا اور عمل صالح کیا، فيوفيهم اجورهم، تو اللہ ان کو پورا پورا دیں گے ان کا بدلہ، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ دیں گے ان کو اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جنہوں نے آر محسوس کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کا اظہار کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو عذاب دیں گے المناک. ایک ہی آیت میں دو ترازو کے پلے رکھا اللہ نے، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف استنکاف ہے، ایک طرف عمل صالح ہے اور ایک طرف تکبر ہے. ادھر اللہ نے ان کے اجر کے دینے کا وعدہ کیا، ادھر عذاب دینے کا وعدہ کیا، ادھر اپنے فضل کے ساتھ زیادتی کا وعدہ کیا، اور ادھر عذاب میں المناک دردناک کیفیت کا اضافہ کیا. یہ دو ترازو کے پلے رکھا اللہ نے. اب یہاں دو باتیں اور سوچیں آپ، ایمان ایمان سنتے آ رہے ہیں، فام الذین آمنوا، جو ایمان لائے، پورے قرآن کریم میں تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے اللہ نے. تو سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ ہم روزانہ سوچیں کہ کس چیز پر ایمان لانا ہے، اس کا کیا مقام اور درجہ ہے. ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کر کے سوئیں کہ اگر ہم اللہ کے پاس کر پیش کیے جائیں تو ہمارا ایمان اللہ کے ہاں اس قابل ہو کہ جس پر یہ اجر کا وعدہ ہو مل جائے. اس کے لیے آسان لفظ دیتا ہوں، جو بخاری جیسے الفاظ موجود ہیں، آپ کو بار بار سنتے جائیں، جمیع ما جاء به الرسول، تمام وہ باتیں جو رسول لے کے آئے ان تمام کو ماننا یہ ایمان ہے. ان میں سے بعض مانیں گے اور بعض نہیں مانیں گے، یہ ایمان نہیں کہلاتا. یہ اچھا کام کریں، جمیع ما جاء به الرسول، رسول جو کچھ لائے ان تمام کو ماننا یہ ایمان ہے. اور ان میں سے کچھ کو چھوڑ دینا اور کچھ کو مان لینا یہ ہرگز ایمان نہیں ہے. کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حکم آنے کے بعد، رسول اللہ کے حکم کے بعد، اپنی مرضی سے کچھ چھوڑ دے، کچھ لے لے. یہ دونوں باتیں کہاں ہیں؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم،
किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत के वास्ते इख्तियार नहीं है कि जब फैसला आ जाए अल्लाह का उसके रसूल का तो वो अपने इख्तियार से जो चाहे कर लें, किसी को इख्तियार नहीं है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 के अल्फाज़ है, वमन यअसि अल्लाह व रसूलह फकद ज़ल्ल, जिसने अल्लाह की रसूलुल्लाह की नाफरमानी की वो गुमराह हुआ। कौन सी गुमराही? ज़लालम मुबीना, ज़लालम बईदा, दूर की गुमराही, खुली गुमराही। तो ये जुमला याद रहे कि ईमान की तारीफ यह है, वो तमाम अहकाम जो अल्लाह के नबी लाए उनको पूरा का पूरा मानना। फिर मानने की दो शक्लें हैं, एक कल्ब से यकीन, जुबान से इतराफ, और हाथ पैर से अमल करके उसका सबूत। अगर जबान से इकरार है, दिल से भी इतराफ है, लेकिन आज़ा उसकी मुखालफत करते हैं, तो जिसका कल्ब उसके जबान का तर्जुमान ना हो उसको निफाक कहा जाता है। तो ये बात याद रखें, आगे देखो नतीजा क्या है। जो ईमान ले आए और अमल सालेह किए, अमल सालेह की शर्त क्यों लगाए अल्लाह? सालेह अमल, अच्छा अमल, इसलिए शर्त लगाए कि जबान से कह देना कि हम मुसलमान और मोमिन है बहुत आसान है, लेकिन इस ईमान के साथ ये अमल गवाही देंगे कि हकीकत में मोमिन है कि सिर्फ जबानी जमा खर्च है, इसलिए लगाई शर्त अमल सालेह की। जब आदमी के अंदर जिंदगी होती है तो ये खाता भी है, पीता भी है, बोलता भी है, चलता भी है, सांस लेता और छोड़ता भी है। अगर ये खाता पीता नहीं, सांस लेता ही नहीं, तो अलामत है उसके मुर्दा हो जाने की। ऐसे ही ईमान अगर है तो उसके हाथ और पैर से जो अफ़ाल होंगे वो आमाल सालेहा ही होंगे, और अगर हाथ और पैर से आमाल सालेहा सादिर नहीं हो रहे हैं तो यकीन से कहा जाएगा कि इसके अंदर अभी जो ईमान है वो इतना ताकतवर नहीं है कि इसके हाथ पैर से अच्छे अमल सादिर हों। दूसरा तौफिया के माने पूरा पूरा देना, वफा को वफा इसी बात से कहते हैं कि वहां हम अल्लाह के हवाले पूरा पूरा कर देते हैं, रूह तो फरिश्ता ले जाता और जिस्म को खुद ले जाकर हम लगाते हैं पूरा पूरा वापस। फई वफीहिम, पूरा पूरा दे देना। वफा, फला आदमी ने वफा किया, यानी जो वादा किया था पूरा किया। इब्राहिम अल्लज़ी वफा, इब्राहिम ने वफा की, यानी अल्लाह के सारे इम्तिहान पास कर लिए, जितनी आजमाइशें आई सब में कामयाब हो गए। तो वफा के माने पूरा पूरा उतरना, पूरा पूरा देना, पूरा पूरा लेना। अल्लाह फरमाते हैं फई वफीहिम उजूरहुम, अल्लाह पूरा पूरा देगा उनका बदला। पूरा पूरा दे दिया तो बराबर बराबर हुआ। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के फजल के खिलाफ है कि बंदे को बराबर दिया जाए, जितने का मुस्तहिक था उतना ही दिया जाए। अल्लाह की सखावत और अल्लाह के फजल से वईद है। अल्लाह फरमाते हैं वयज़ीदुहुम मिन फजली, अपने फजल व करम से और ज्यादा देगा। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह उसको और ज्यादा देंगे। शारहीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब अल्लाह ज्यादा देंगे तो क्या है, क्योंकि ईमान अमल सालेह का बदला जब देंगे तो उसके बदला की जगह जन्नत है, और जन्नत में जाने के बाद कोई कमी नहीं होगी। कमी तो बहुत दूर की बात है, हदीस मौजूद है वजाहत के साथ कि जन्नत में अल्लाह ने वो सारा इंतजाम कर दिया है, न किसी कान ने सुना है, न किसी आंख ने देखा है, और न किसी के दिल में ख्याल तक गुजरा। हदीस के अल्फाज हैं आतद्दू लिबादिय सालेहीन, नेक बंदों के लिए तैयार कर रखा है मैंने, माला आयनुन रात, किसी आंख ने देखा नहीं, वाला उजुरुन समिया, किसी कान ने सुना नहीं, वाला खतरा अला कल्बी बशर, और किसी बशर के दिल में ख्याल नहीं आया। तो जब पूरा पूरा बदला देने की जगह जन्नत है और जन्नत में ये सारे इंतजाम हैं, तो अल्लाह अपने फजल करम से ज्यादा देंगे, वो क्या है, क्या चीज ज्यादा देंगे? इसके साथ सूरह यूनुस 12:11 की एक आयत जोड़ो जो इस लफ्ज की वजाहत करता है, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने उम्दा काम किए उनके लिए हुस्ना यानी जन्नत है, व ज़ियादा यानी अल्लाह का दीदार है। तो सारे ईमान और अमल सालेह का बदला जन्नत है, और जन्नत में कोई कमी कसर नहीं, हर चीज मौजूद है। अब उस ज़्यादती को कैसे देंगे? ये रिवायत मैं सुना चुका हूं, फिर सुनाता हूं आपको, ताकि आप में उस इश्तियाक में इजाफा हो, उस तरफ में शिद्दत पैदा हो, और जब अल्लाह से मुलाकात में बहुत ज्यादा तरफ पैदा होगी तो आपके लिए मौत बहुत आसान दिखाई देगी। वो जुमला याद है आपको, दुनियादार बादशाह ने भेजा था जासूस को कि देख आओ कि मुसलमान हर जगह फतेहयाब क्यों हो रहे हैं। उसने क्या जुमला कहा था? उसने कहा था ये मुसलमान फतेहयाब इस वास्ते हर जगह हो रहे हैं कि तुमको जितना शराब और औरतों का शौक है, बखुदा उनसे ज्यादा इनको शहादत का शौक है। इनको यकीन है कि शहादत के बाद जन्नत रखी हुई है, और जन्नत में कोई कमी कसर नहीं रखी है, इसलिए फतेहयाब होना इनका यकीन है। तुम जिस तरह जीना चाहते हो वैसे ही मरना चाहते हो। रिवायत बार बार सुनने के काबिल है, बार बार सुनते चले जाएं, जन्नत वाले जन्नत में पहुंच जाएं। अल्लाह पूछेंगे कुछ और चाहिए, अल्लाह खिताब फरमाएंगे बगैर हिजाब के, लेकिन अभी हिजाब है, इस वक्त कलाम हो रहा है। अल्लाह पूछेंगे कुछ और चाहिए, जन्नतियों की तरफ से आवाज आएगी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे चेहरे रोशन किया आपने, जहन्नम से बचा लिया, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया, ईमान का पल्ला हमारा वतनदार बना दिया, दाखिला आपके घर में मिल गया, जन्नत की हर नेमत मिल गई, यहां तक कि वो तरज़ुल आयुन, आंखें किसी ठंडी होती हैं, वो सब दे दिया आपने, तश्तही हिल अनफुस, नफ्स की इश्तिहा की तकमील कर दिया आपने, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएंगे एक और बाकी है, अब इसके बाद वो पर्दा हटेगा। अब तक जो पर्दा पड़ा हुआ था, अब तक पर्दे के बाहर से गुफ्तगू हो रही थी, अब हिजाब हट जाएगा, और जितने जन्नती हैं सब अल्लाह को बगैर हिजाब के देखेंगे। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से हम सबको कल बना ले, सबके सब बगैर पर्दों के देखेंगे। और सहाबी पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल इतना बड़ा मजमा एक साथ अल्लाह को देखेगा, कुछ धक्का धुक्का होगा? फरमाया कि तुम चौदहवीं रात का चांद कभी देखे हो? फरमाया हां। कहा गांव वाला या शहर वाला, करीब वाला या दूर वाला, नीचे वाला या ऊपर वाला? चौदहवीं रात का चांद देखता है, कुछ मुजाहमत होती है? फरमाया नहीं। कहा रब्बे करीम को ऐसा ही देखोगे? फिर अल्लाह खिताब फरमाएंगे, और बाज़ रिवायतों में है सूरह रहमान सुनाएंगे, बाज़ रिवायतों में है सूरह रहमान सुनाएंगे, उन तमाम नियामतों का तस्करा उनमें मौजूद है। और फिर ऐलान फरमाएंगे कि जन्नत वालों, अस्सलामु अलैकुम या अहले जन्नत, तुमसे मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं होगा। इस ऐलान के बाद और अल्लाह के दीदार के बाद हदीस कुर्सी में मौजूद है, आका फरमाते हैं जन्नत की सारी नियमतें हेठ नजर आएंगी अल्लाह के दीदार के मुकाबले में। अल्लाह का दीदार सारे कायनात के हसीनों को, सारे कायनात के हुस्न को, सारे कायनात की उमदा अशिया को, जिस अल्लाह ने बनाया है, जिस अल्लाह ने उन हूरों को बनाया है कि अगर वो एक बार थूक दे दुनिया में तो दुनिया की कोई शय कड़वी न रह जाए, मीठी हो जाए। जिस अल्लाह ने उनको बनाया है, वो हूरों को कि एक बार अगर वो झांक लें तो कायनात रोशन हो जाए, वो खुद खालिक कैसा होगा? आज तक
ये आंखें तरसती हैं देखने के वास्ते, लेकिन तमन्ना पैदा होगी तो आप रख लगाए रहेंगे। अल्लाहुम्मा रफीक अल्लाह, आखिरी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुनिया मुतवज्जे करती है, आप कहते हैं छोड़ो मैं जिधर जा रहा हूं जाने दो। अल्लाहुम्मा रफीक अल्लाह फरमाया तो अल्लाह की तरफ एक लौ पैदा हो जाती, दीदार की तरफ तपिश पैदा हो जाती। और जब सुल्लु कान खोलते आपके दिल में अल्लाह के दीद की अगर तपिश पैदा हुई, मोहब्बत के शोले पैदा हुए, तो समझ लो कि अल्लाह ताला भी आपकी तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप चाहें और वो ना चाहें, क्योंकि वहां वादा है तुम एक बारिश आओगे तो मैं एक हाथ आऊंगा, तुम चलकर आओगे मैं दौड़ कराऊंगा, तुम यहां मेरा जिक्र करोगे फर्श पे तो मैं अर्श आजम पर तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। बुजुर्ग कहते हैं जब अल्लाह याद करता है तो मुझे मालूम हो जाता है, क्योंकि जब मैं याद करता हूं तो यकीन करता हूं कि वादा पूरा करके अब मुझे याद कर रहा होगा। फसकुरूनी अस्कुरकुम को वादा है अल्लाह, तो जन्नत की सारी नेमतें हेज होंगी अल्लाह के दीदार के बाद। हदीस है मुस्लिम की, मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाह लिकाहु व मन करिहा लिका अल्लाह करिहा लिकाहु। जो बंदा अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उस बंदे से मिलना चाहते हैं, और मिलने के वास्ते सिवाय मौत के और कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता। फिर जुमला है वयजीदुहुम मिन फज़ली, अपने फजल से वो ज्यादा देगा। वो ज़ाती की शक्ल क्या होगी? उसका दीदार नसीब होगा। इस ज़ाती के वास्ते फिक्र करना है। वअम्मल लदीन इस्तनकफू, और बहरहाल जिन्होंने आर महसूस किया, इस्तनकाफ के माने तकब्बुर के बिना पर आर महसूस किया, उनको तज़ल्लुल पसंद नहीं, उनको आजिज़ी पसंद नहीं। बंदा अल्लाह से नहीं मांगता तो अल्लाह को गुस्सा आता, क्योंकि इसका ना मांगना अलामत है बेनियाज़ी की, जबकि बेनियाज़ अल्लाह की ज़ात है। मांगते रहना अल्लाह को पसंद है। इसलिए फरमाया फअम्मल लदीन इस्तनकफू, जिन्होंने आर महसूस किया, वस्तकबरु और तकब्बुर किया, फयुअज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, तो हम उसको अज़ाब देंगे अलमनाक अज़ाब। और इस अज़ाब के अंदर कोई मददगार मिल जाए, कोई हिमायती मिल जाए, अल्लाह फरमाते हैं इस अलमनाक अज़ाब को भुगतना ही पड़ेगा। वला यजिदुनहुम मिन दूनिल्लाह, और वो नहीं पाएंगे, यजिदून हरगिज नहीं पाएंगे अपने वास्ते मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा में से वलीयन वली यानी मददगार, वला नसीरा और हिमायती नुसरत करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अज़ाब से छुड़ा दे। अल्लाह जिसको अज़ाब देना चाहें तकब्बुर की बिना पर, उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ करने वाला, मदद करने वाला, नुसरत करने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहां तक ये दो बातें हुई कि हज़रत ईसा मसीह को बंदा बनने में कोई आर नहीं है, लिहाजा तुम भी उनको बंदा ही मानो, अल्लाह का बेटा मानने की हाजत नहीं है। तकब्बुर की बुनियाद पर अगर आर है तो ये तकब्बुर जिल्लत का बाइस बनेगा। मन तकब्बरा वज़ाअहुल्लाह, जो तकब्बुर करेगा अल्लाह उसको पस्त करेगा, ये अल्लाह का वादा। अब यहां से मक्के वालों से खिताब, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। ऐ लोगो, तहकीकी आया तुम्हारे पास बुरहान, जाअकुम बुरहान आया तुम्हारे पास बुरहान, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अनज़लना इलैकुम और नाज़िल किया हमने तुम्हारी तरफ, नूरम मुबीना ऐसा नूर जो वाज़ह है, साफ नूर भेजा। इस आयत पर गौर करो, यहां दो लफ्ज है जो आज आया है, एक तो है बुरहान, दूसरे है नूर। नूर से मुराद क्या है और बुरहान से मुराद क्या है? या अय्युहन नास जब आए कुरान करीम में तो बिल उमूम इससे मुराद अहले मक्का होते हैं। या अय्युहल लदीना आमनू आए तो इससे मुराद बिल उमूम अहले मदीना होते हैं। यहां या अय्युहन नास का इशारा है ऐ मक्के वालों, ऐ वो इंसानों जो अब तक अल्लाह की वहदानियत के मुतअल्लिक नहीं हुए, ऐ वो लोग जो अब तक कुरान में और कुरान वाले में तुमको शक पैदा हुआ है, आए वो लोगों जो अब तक तौहीद को नहीं मान सके हो, उनके वास्ते खुसूसी पैगाम दिया अल्लाह ने। या अय्युहन नास, आए लोगों, कद जाअकुम, आया तुम्हारे पास बुरहान। बुरहान से मुराद तर्जुमा लफ्ज़ी एतबार से बुरहान कहते हैं दलील को, हुज्जत को। बुरहान कहते हैं वो दलील, वो हुज्जत जो काटने से न कर सके, बड़ी मजबूत दलील को बुरहान कहते हैं। इससे मुराद ज़ात मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बुरहान है। कद जाअकुम बुरहान, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ चुकी है। शारहीन लिखते हैं बुरहान से मुराद वो दलील जो काटने से न कटे। सवाल यह है ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बुरहान कैसे, आपकी ज़ात दलील कैसे है, हुज्जत कैसे? जितना आप सोचेंगे नबी की पूरी जिंदगी, खुसूसन नबूवत के इजहार के बाद, तो आपको महसूस होगा सर से पांव तक आपका वजूद खुद बुरहान है, खुद दलील है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था अल्लामा सुयूती की जो किताब है अल खसाइस अल कुबरा, इसका तर्जुमा आ चुका है, तकरीबन 300 मुजज़ात जमा किया उन्होंने, सर से लेकर पांव तक हर अज़्व का अलग अलग मुजज़ा है। आप इसको अगर बयान करना चाहें तो इसमें मालूम होगा कि आपका वजूद का हर हिस्सा अल्लाह की दलील है। मसलन पूरे मक्के वाले इस बात से आजिज थे कि आपकी तरह कलाम कर सकें। 40 साल तक आपने सबके साथ काम किया और कलाम किया और बातचीत किया, लेकिन जिस वक्त जाहिर कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, यह कलाम नाज़िल हुआ है, अब वो कलाम का जबान से निकलते हैं, तो इस कलाम के लिए इसका आसानी, इसका बदल, इसका मुकाबला करने वाला कायनात में कोई कलाम नहीं आज तक चैलेंज बाकी है आज तक। और यह कहा कि पूरा कलाम का इस जैसी 3 आयतें ले आओ, पहले कहा 1 सूरत ले आओ, फिर कहा 3 आयतें ले आओ, इस कलाम की तरह 3 आयतें तुम पेश नहीं कर सके। तो कलाम रसूलुल्लाह जो आपकी जबान से जारी हुआ, जिसको आपने कहा कि अल्लाह का कलाम है, कायनात उसको उस जैसा कलाम लाकर पेश करने से आजिज़ है, तो आपका कलाम जबान से निकला हुआ यह बुरहान बन गया, यह हुज्जत बन गया। आज तक उसकी हुज्जत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मौजज़ा, जैसे आप जानते हैं, आपने इशारा किया चाँद के टुकड़े हो गए, ये क्या है? ये आपके उंगली का इशारा जो चाँद के टुकड़े कर देता है, ये उंगली आपके जात का एक हिस्सा है, ये बुरहान बन गई अल्लाह के साथ, कोई इसका बदल नहीं। तो जितने भी मौजज़ात हैं जो ज़ुहूर में आए हैं, वो सारे के सारे इस साथ में जोड़ सकते हैं आप कि अल्लाह के नबी की बुरहान दलील है, बोला आपका वजूद दलील है कि हाँ एक अल्लाह है, उसने आपके वजूद को भेजा है, और आप अपने वजूद से साबित करेंगे। तौहीद, इतना तौहीद को आपने पेश किया कि कायनात की तमाम चीज़ें समेट कर दी आपके सामने। कहा गया कि आप बादशाहत ले लो, या हसीन औरतों से शादी करना है तो उसकी पेशकश है, सैदत चाहते हो उसकी पेशकश है, लेकिन आपने उन सबको ठुकरा दिया और कहा मेरा मकसूद है नहीं, दाहिने हाथ का सूरज और बाएं हाथ का चांद दिया जाए तो मैं बाज नहीं आता। क्या है? ये आपके वजूद से दलील साबित होती है कि वहदानियत ही हक है, वरना इतना ज्यादा उस पर इस्तिकामत नहीं हो सकती थी। तो आपके साथ क्या बुरहान है? बुरहान माने वो दलील जिसको कोई काट ना सके। हाँ, हर धर्मी आए ना माने तो और बात है। चुनांचे जितने यहूदियों ने आपकी जात का इनकार किया, हकीकत है कि वो हर धर्मी और जिद और अपनी बड़ाई के खतरे से इनकार किया, वरना उनके दिल मान चुके थे, जबान करार नहीं कर रही थी।
कुरान ने कहा है वो जादू भी हां वो सही गलत था अनफुसुम उन्होंने इंकार किया है हालांकि दिल उनका यकीन कर चुका था। छुप छुप के कुरान सुनते थे वो, कुरान की लज्जत से आशना हो गए थे वो, लेकिन अपनी सियादत और अपनी बर्तरी को खत्म करना चाहते नहीं थे। तो नबी की ज़ात क्या है? बुरहान है। बुरहान का मकसूद यह है कि आपकी ज़ात को देखकर तौहीद और वहदानियत समझ में आ जाती, आपकी ज़ात को देखकर, बल्कि आपके नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों को देखकर भी तौहीद आती है। मशहूर मकूला है कि मुत्तकी और परहेजगार किसे कहा जाए? दिल तो हम देख सकते नहीं, दिल और दिल में क्या है ये तो अल्लाह देखेंगे, लेकिन किसी के मुत्तकी होने का फैसला कैसे किया जाए? लिखते हैं अकाबिर की जिनको देखकर खुदा याद आ जाए वही मुत्तकी, जिनको देखकर बेसाख्ता खुदा याद आ जाए वो मुत्तकी कहलाता। तो नबी की जात बुरहान है, आपकी जात को देखकर खुदा याद आता था। वहदानियत दिल में पैदा होती थी और कुफ्र पिघल कर निकल जाता था, और जब आप कलाम सुनाते थे तो उस कलाम की बरकत से कितना ही मुतशद्दिद काफिर हो उसका कुफ्र पिघल कर आंसू बनकर आंखों से बह जाता था। इसलिए आपकी जात क्या है? बुरहान है, अल्लाह की बुरहान है आपकी जात सरापा। जितने मौजूदात हूं तमाम को लाइए। कसीदे बुद्दा सुना होगा आपने, कसीदे बुद्दा में एक शेर है, जात लिदावत हिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमी, दरख्त आपके बुलाने से आ जाते हैं और अपने पिघले के बल आपकी तरफ चलते हैं बिला कदम के। आपको शायद ये मौजूदा याद नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हारत पेश आई, देखा दूर दराज तक कोई आड़ की चीज नहीं थी और आप बड़े शर्मीले थे, किसी भी जगह बैठने के लिए करीब तक पहुंचकर कश फरमाते थे, यानी अपने कपड़ों को हटाने के लिए बहुत करीब तक बैठते थे। देखा तो दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी, दो दरख्त नजर आए काफी दूर, आपने इशारा किया तो दरख्त चलता हुआ आ गया और दूसरे को इशारा किया तो भी आ गया, दोनों दरख्तों को आपने जोड़ दिया और उनकी आड़ में आपने कज़ाए हाजत फरमाया। उसके बाद जब फारिग हो गए तो इशारे से उनको भेज दिया, दोनों चले गए। ये मौजज़ा जो है मिश्कात के अंदर भी मौजूद है और अल-ख़सा'इसुल कुबरा के अंदर भी नकल किया है अल्लामा सयूती ने, और इसी मौजज़े को इशारा किया इसाइत के अंदर। तो ये आपकी ज़ात क्या है? बुरहान है। आपका एक एक कदम इशारा कर देना चाहता तो टुकड़े हो जाना, अब आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये किताब जिस पर नाज़िल हुई है उनकी नबूवत क़यामत तक के वास्ते, लिहाजा ऐसा मौजज़ा दिखलाता हूं जो तुम आज भी देख सकते हो, क़यामत तक के वास्ते बाकी रखा है। अगला टुकड़ा है फरमाया वअनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और नाज़िल किया हमने तुम्हारी तरफ वाज़ह रोशनी को, इससे मुराद कुरान करीम है। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि कुरान करीम नूर मुबीन है, रोशन किताब है, रोशन हिदायतनामा है, और ये क़यामत तक के वास्ते बाकी है। इसकी तीन आयतों ले लो, इन तीन आयतों की तरह कोई कायनात में नहीं मिलेगा जो पेश कर सके, तो ये भी बुरहान में शामिल है। तीन आयतें कहीं से ले लो, तीन आयतें उसका मिसल बनाने पर दुनिया कादर नहीं, कुरान चैलेंज करता हुआ जा रहा। अब यहां से हमें क्या मालूम हुआ? अल्लाह की तरफ से नबी की जात बुरहान थी, फिर भी शरीयत के वो मुकल्लफ थे, उनकी नमाज माफ नहीं थी। नमाज माफ नहीं थी, सिर्फ चंद चीजें हैं जिसमें अल्लाह ने आपको इस्तिस्ना दिया है। इस्तिस्ना का मतलब यह है, इजाजत दी है कि आपके लिए खसूसियत है इन इन मसलों में, वो चंद है, उसमें भी हिकमतें थी, लेकिन शरीयत का कोई हुक्म ऐसा नहीं था या फरमा देते कि ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं नबी हूं, मेरे वास्ते माफी है। जो अल्लाह की बुरहान हो इस जमीन पर उसके लिए अल्लाह ने अपने हुक्म को माफ नहीं किया। ना अल्लाह के नबी पर नमाज माफ थी, ना रोजा माफ था, ज़कात का मौका नहीं आया, लेकिन आपसे ज्यादा खैरात किसने किया नहीं होगा। ज़कात वाजिब क्या होती? कभी घर में रखकर कोई सोया ही नहीं आप। हज भी माफ नहीं था, सतर भी खुला हुआ रहे ये भी माफ नहीं था, किसी को जो चाहे कह दे, गाली ज़बान से दे दे ये भी माफ नहीं था, कुरान करीम के किसी हिस्से पर अमल न करें ये भी माफ नहीं था। चंद चीजें सिर्फ हैं जो बतौर हिकमत और मसलहत के खुसूसियत थी आपकी, मसलन हमारे यानी आपके लिए सबके लिए चार शादियां जायज हैं, वहां अल्लाह ने 11 की गुंजाइश रखी थी ताकि ये इस्लाम के वो कानून जो औरतों से मुताल्लिक हैं वो औरतों में फैल जाएं, इस्लाम की इशात हो जाए। और भी बहुत से मसाले हैं, बगैर महर के औरत को कबूल कर लेना अगर वो अपनी ज़ात को पेश करती है, ये आपकी खुसूसियत थी, वरना शरीयत का कोई हुक्म आपके लिए माफ नहीं था। सब लोग जमात से नमाज पढ़ो, मैं अकेले पढ़ लूंगा, सब टाइम पे पढ़ो, मैं टाइम पढ़ लूंगा, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप सोते रहे हो और जमात होती रही हो, नींद को छोड़कर फजर में हाजिर होना, बल्कि रात रात भर खड़े रहना फिर भी हाजिर होना, और कुछ ना रहे घर में फिर भी फकीर को वापस न करना, कितना ही तकलीफ और फाका गुजर जाए लेकिन शिकवा न करना बल्कि शुक्र करते रहना, तीन साल तक शावे अभी तारीख की घाटियों में पत्ते खाके गुजार देना लेकिन अल्लाह के मशन से पीछे न हटना, कौन सा फर्ज था जो माफ था, कौन सा काम माफ था? तो जो अल्लाह की बुरहान है, हुज्जत है जमीन पर, वो भी अमल में कहीं पीछे नजर नहीं। फिर हमको और आपको क्या जवाब है कि हम जब चाहे तो नमाज पढ़ने जाते छोड़ दें, चाहे तो कुरान पढ़ें चाहे तो कुरान को छोड़ दें, और जिस तरह चाहे इख्तियार करने के पास कौन? कुरान करीम पर अमल करना अल्लाह ने आप पर फर्ज किया था और उम्मत पर भी फर्ज है। जब अल्लाह की बुरहान होने के बावजूद इख्तियारात नहीं दिया अल्लाह ने कि जो चाहे करो, तो किसी को भी किसी भी नाम पर गुंजाइश नहीं है कि इस्लाम के अहकामात को तब्दील कर ले। शरीयत का हुक्म बहरहाल नाफिज़ुल अमल है। कुरान को नूर क्यों कहा? वअनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, नूर क्यों कहा? नूर के माने रोशनी, इसकी जिद है जुल्मत, जुल्मत के माने तारीकी, तारीकी में आदमी क्या लेना चाहता है क्या छोड़ना चाहता है पता नहीं चलता। हाँ, रोशनी में क्या लेना है क्या छोड़ना है, किधर जाना है किधर मुड़ना है, तो रोशनी में आदमी का इख्तियार चलता है, जुल्मत में नहीं चलता। हाथ में सांप आया तो सांप पकड़ लेगा, अंधेरे में खबर नहीं कि क्या पकड़ रहा है, रोशनी है तो दूर जाएगा। तो रोशनी मतलूब है, जुल्मत मतलूब नहीं है। अगर इस रोशनी में चलकर मंजिल तक पहुंचना है, वो कौन सी मंजिल है? जहां अल्लाह का घर है। ये मस्जिद भी अल्लाह का घर क्यों कहा ने? क्योंकि इस घर में आने वाला उस घर में जाने का मुस्तहिक बनेगा। इसी बात से कहा कि जितनी मस्जिदें हैं ये बनातुल्लाह यानी काबतुल्लाह की बेटियां हैं, बनातुल्लाह ने काबतुल्लाह की बेटियां फरमाया। तो काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, जितनी मस्जिद हैं सब के सब काबतुल्लाह के साथ जुड़ी अल्लाह ने, इनमें आने वाला अल्लाह के घर में आने वाला है, ये उस घर में दाखिले का मुस्तहिक बनेगा। अबू दर्र गफारी कहते हैं मैं कसम खाता हूं जो पांच वक्त जमा के साथ नमाज पढ़ ले उसके मोमिन होने की मैं कसम खा के गवाही दूंगा। और दलील पेश करते थे सूरह तौबा की आयत, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वअक़ामस सलाह वआता ज़कात वलम यख़शा इल्लल्लाह। फरमाया कि जो मोमिन है वो पांच वक्त नमाज को हाजिर होगा, और जो पांच वक्त हाजिर होगा यकीनन वो मोमिन है। अगर वो मोमिन नहीं है तो पांच वक्त की हाजिरी मुश्किल होगी। क्यों? वही नहा कबीरतुन इल्ला अल खाशीन, ये पांच वक्त की हाजिरी बहुत गिना है। हाँ, जिनके दिल में खुशू है तकवा है उन पर गिना नहीं है, बहुत आसान। इससे मालूम यह हुआ कि कुरान करीम रोशनी है, इस रोशनी में जो अल्लाह के घर में आना चाहता है
अल्लाह की मर्जियात के चलते हुए अल्लाह के घर तक पहुंच जाएगा। तो रोशनी में चलना है तो कलाम पाक रोशनी हासिल कर लो, ये फरमाया। अब नतीजा खस अल्लाह ने फाम अल्लादीन आमनू बिल्लाह, बस बार हाल जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर, वातसमू बिही, और उसको मजबूत पकड़ लिया। ये जो इजाफा है लफ्ज का वातसमू बिही, ईमान बिल्लाह काफी नहीं, उसको पकड़ना है मजबूती से। क्या मतलब इसका? आदमी कहता है आमनू बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, जब जरा सख्ती हुई फिसल जाता मैं नहीं हूं। तो ईमान बिल्लाह कहने के बाद वातसमू बिही, उसको मजबूत पकड़ ले। एक साहबी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, इस्लाम के अहकामात इतने ज्यादा हैं कि मैं अपने दिमाग में उनको जमा नहीं कर सकता, एक नुस्खा बता दो जो मुख्तसर हो, जिसको मैं पकड़ लूं और मेरा काम हो जाए, यानी जन्नत में जाना आसान हो जाए। आपने कहा ठीक है, नबी का भी नुस्खा बताया हुआ है। क्या छोटा जुमला है, वाकई अल्लाह के नबी को जवामियुल करीम दिया था अल्लाह ने। जो आदमी सालों बोलता रहे वो एक जुमले समझ जाया करते थे, एक जुमले में क्या कहा, कुल आमंतु बिल्लाह सुम्मा इस्तकिम, कह दे मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर जम जाओ उस पर, बस छोटा जुमला है लेकिन मरने के दिन तक इस पर अमल हो सकता है और खिलाफ वर्जी साबित हो सकती है। क्या मतलब जम जाने का, आमंतु बिल्लाह मैं अल्लाह पर ईमान लाया, इतना जबान से कहो सुम्मा इस्तकिम फिर उस पर जम जाओ। यानी कोई मौका आ जाए दो खुदा मानने का तो नहीं मानना, हुक्म में दो आ जाए तो खुदा का हुक्म मानना, मोहब्बत दो किस्म के सामने आए तो खुदा की मोहब्बत को तस्लीम कर लेना, जिंदगी के तमाम शोबों में इसी आमंतु बिल्लाह पर जमे रहना, यही मजमून यहां भी है। जो ईमान ले आए अल्लाह पर उसको मजबूत पकड़ लिया। आजकल तो पकड़ना बहुत आसान छोड़ना बहुत आसान, पता नहीं कब पकड़े कब छोड़े, लेकिन जिनको घसीटा गया ईमान बिल्लाह कहने पर उनसे पूछो। साहबी ने कहा आमंतु बिल्लाह तो उनको गला घूट दिया गया, गला घूट दिया गया, इसके खिलाफ बोलते हो कि दबा के मार डालूं, यह है जमने का मकाम। बिलाल हबशी हैं, सुहैब रूमी हैं, अम्मार इब्न यासिर हैं, इनसे पूछो जमना किसको बोलते। खब्बाब कहते हैं मेरी पीठ पर इतने निशान, मेरी पीठ पर इतने निशान हैं, वो निशान मार के नहीं है, गरम गरम रेत पर लिटाया गया हूं नंगा, वो रेतियों से पीठ में आंवले पड़ गए तब भी नहीं छोड़ा लोगों ने, वो आंवले फूट गए और रेतियां उसी से ठंडी हो गई, उससे जिस्म पर निशान पड़ गए। ये खब्बाब की पीठ पर जनाब उमर ने देखा है, यह है जमने का मकाम। बिलाल को घसीटा गया, अल्लाहु अहद कहते रहे, अरे तुम कब तक कहोगे अल्लाहु अहद, कहा जब तक इसमें सांस आती और जाती रहेगी अल्लाहु अहद, ये जमने का मकाम है। उस्मान गनी को लपेट दिया धुएं के अंदर, चटाई में लपेट दिया, जला दिया उसको, धुएं से नाक में तकलीफ हो रही है लेकिन अल्लाहु अहद उसे हटने वाले नहीं है। अबू ज़र को खूब मारा खाने काबा के अंदर लोगों ने, यहां तक अब्बास झुक गए बचाने के लिए, कहा छोड़ दो मर जाएगा, रास्ते में कबीले ज़फ़र है तुम्हारा रास्ता बंद हो जाएगा, छोड़ दिया। फिर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मारा एक दिन दो दिन तीन दिन, यह है जमने की बात। जुनून तारी है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इसे हरकत सुनना नहीं चाहते, यह है मोहब्बत। तो जब तक आदमी अल्लाह से वालिहाना मोहब्बत न रखे, अल्लाह के गैर को तस्लीम न करे, अल्लाह की मोहब्बत के बराबर, अल्लाह की अजमत के बराबर, अल्लाह के अहकामात के बराबर, किसी की मोहब्बत और अजमत नहीं, किसी का हुक्म नहीं, इन्हें हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म चलता है, तो यह है जमना। वातसमू बिल्लाह, उसको पकड़ ले मजबूती के साथ, यह मत समझो कि सिर्फ पकड़ लिया, ये जिंदगी के आखिरी दिन तक इम्तिहान चलता रहेगा। आमनू बिल्लाह कहने के बाद वातसमू बिही, उसको मजबूती से पकड़ लिया। हराम गजा की पेशकश आई, गलत वादों की पेशकश आई, दुनिया के अंदर सब बाग पेश किए गए, आदमी सोचता नहीं है कि आखिरत जा रही है कि बर्बाद हो रही है कि क्या हो रहा है, ये नहीं है, ये भी जारी वो भी जारी। कलमे तैयबा तकाजा करता है, जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस कलमे का तकाजा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम उसी को माबूद मानते रहो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो तुम उनके हुक्म के मुकाबले में किसी का हुक्म तस्लीम ना करो, उनके दस्तूर के मुताबिक चलते रहो, यह है तकाजा इस्लाम। जब बंदा अपने आप को मजबूती के साथ थाम लेता है इस रास्ते पर, तो अल्लाह का भी वादा पूरा होता है। सूरह हामीम अस्सजदा में अल्लाह फरमाते हैं, तवील आयत है, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग कह देते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम जाते हैं, तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्तों का नज़ूल मामूली बात नहीं। थुम्मा इस्तक़ामू, जब उस पर इस्तक़ामत हो जाती है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं, क्यों, कहीं घबरा ना जाए, कहीं मायूस ना हो जाए, कहीं इसके दिल में गैरुल्लाह का खौफ पैदा ना हो जाए, इतना घसीटा गया है, इतना मारा गया है, इतना तड़पाया गया है, इतना फाका खिलाया गया, कहीं ये अल्लाह का चाहिए था बंदा मायूस ना हो जाए, उसकी दिलजमई के लिए, उसकी धारस के लिए, उसकी तसल्ली के लिए, दिलजमई का सामान। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना खौफ खाओ ना गमगीन हो, वाबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, जन्नत के साथ कबूल कर लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। ये दुनिया में भी आखिरत में भी तसल्ली आती है फरिश्तों की तरफ से। और क्या कहते हैं, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, फरिश्ते ये दिल जमाई का सामान फराहम करते हैं, ये अल्लाह का वादा है, ये मत समझो यूं ही छोड़ दिया। आज कोई सोच नहीं सकता है कि एक हुजूर में तीन तीन आदमी चूसते थे और गज़वे तबुक में लड़ते थे, आज तीन टाइम खाना खाने के बाद बुदबुद छाई हुई है, क्यों, वहां फरिश्ते आए थे, यहां फरिश्तों को हम नहीं बुलाते, तो अपने घर में रहो बोलते, हमारे घर इस काबिल नहीं कि हम फरिश्तों को बुला सकें, मालूम है फरिश्ते वहां नहीं आते जहां कुत्ता होता, ठीक है कुत्ता तो रहेगा तुम्हारे जहां, जिस घर में नाच गाजा होगा फरिश्ते वहां नहीं आएंगे, हमारे घर में नाच गाजा चलता रहेगा, फरिश्ते आओ जहां बताओ, रहमत के फरिश्ते वहां नहीं आते जहां तस्वीर होती है, तस्वीर तो रहेंगी तुम्हारा जहां बताओ। तो फरिश्तों के आने से जो दिलजमई होती थी, न खौफ न गम होता था, आज हमने दरवाजे बंद कर दिए। गज़वे तबूक आसान, गज़वे खंदक आसान, क्यों आसान थी कि फरिश्ते वहां आते थे, उनके साथ साथ आते थे, उनका काम यह था। सूरह हामीम सजदा तो इस वहां की आयत तफ़सीर पढ़ो, अल्लाह का वादा है, फ़अम्मल लज़ीना आमनू बिल्लाह वातसमू बिही, उसको मजबूत पकड़ लेते हैं, दो वादा अल्लाह का, फ़सयुदख़िलुहुम, अनकरीब उनको दाखिल फरमाएंगे, फ़ी रहमतिन मिन्हु, अपनी रहमत में, अल्लाह की रहमत कैसी होगी, रहमत किस चीज का नाम है, रहमत का मकाम कहां है, रहमत किस किस शक्ल में आती है, रहमत किन किन बंदों पे आती है, ये सारे सवाल हैं। अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो बंदा ईमान बिल्लाह के बाद उसको मजबूती से पकड़ ले, तो अल्लाह उस बंदे को दाखिल करते हैं अपनी रहमत में। जो बताया गया है उतना तो मालूम है कि रहमत का मकाम जन्नत है, पहला वादा ही पूरा होता अल्लाह की रहमत में। रहमत, अल्लाह की रहमत का ज़ुहूर कहां कहां हुआ है, मैदान कारज़ार में जब लोग जख्मों से चूर हैं और खौफ से दिल थर्राए हुए हैं,
तो अल्लाह की रहमत सकीने की शक्ल में आई। हदीस में आता है उनके हाथों तलवार छूट गई, नी तारी कर दिया अल्लाह ने। ये सकीना कैसे आया? जहां खौफ हो, जहां अंदेशा हो, जहां किनारे पड़े हो, वहां खड़े खड़े हो रहे हैं तलवार हाथ की जा रही है। ये खुदा की रहमत का एक ज़ुहूर था। तो मैदान कारज़ार में रहमत आती है। बंदा बेधड़क होता है, मुझे तो याद नहीं आता कि ऐसा शान शाह गुजरा होगा। हाथ का तकिया और खाक का बिस्तर, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर, नबी का दीवाना सो रहा है। एक बहुत बड़ा एल की सफीर कासिद आके पूछता है, तुम्हारे खलीफा कहां है? बच्चा बताइए तो सो रहे हैं। कहां? दरख्त के नीचे। तकिया हाथ का और बिस्तर की जगह पर सिर्फ जमीन। ये तुम्हारा खलीफा है, तुम मजाक करते हो? 22 लाख मरबा मील का हाकिम जिसके हुक्म से जमीन थरलाती थी, और जजरा आया तो कहा उमर का दुर्रा मार के तुझ पर हुकूमत उमर करता है, तुझे बजाय लड़ने के सुकून रहना चाहिए। वो जनाब उमर ऐसा सो रहे हैं, किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह के। आप किसको मस्त रहिए? कायनात में सबसे बड़ा बादशाह भी उसको यह महबूबियत हासिल है। यह महबूबियत है, यह खुदा की रहमत और सकीना है। जब बंदा अल्लाह को पकड़ लेता है तो अल्लाह की रहमत इससे कमी आती है। खलीफा है लेकिन इतना सुकून, इतना इत्मीनान। चुनांचे मुझे लफ्ज़ भूलता नहीं, उनका कातिल जब खंजर मारता है तो पहला सवाल करते हैं जनाब उमर, मुझे मारने वाला कौन है? जब कहा गया कि मारने वाला यहूदी है तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुसलमान नहीं मारने वाला है। जो खुदा का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है और किताबुल्लाह का दुश्मन है, वही उमर का दुश्मन है, मुझे कोई गम नहीं है। यानी उमर का दुश्मन मुसलमान हो जाए, ये उमर के वास्ते आर की बात थी। एक भी जमीन पर उमर का दुश्मन नहीं था, क्योंकि उमर अल्लाह के हो गए थे, और जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह उसका हो जाता। यही मज़मून है यहाँ पर। तो अल्लाह उसको दाखिल करेंगे अपनी रहमत में, दुनिया में इस तरह और आखिरत में उस तरह। ये अल्लाह की शान है। वो फजलिन और फजल भी, अभी जिक्र किया मैं, जितना हक था उतना दिया तो अदल है, उससे बढ़ के दिया तो ये फजल है। वह हदी ही मेरे सिरात मुस्तकीमा, और हिदायत देंगे उनको अपनी तरफ सिरात मुस्तकीम की। किस तरह चलकर हमारे पास पहुंचोगे, हमारे घर में, हमारे कुर्ब खास में कैसे पहुंचोगे? सही रास्ता बता देना, जिसका घर है वही रास्ता बताए तो रास्ते में गलती नहीं होती। अल्फाज देख लो, वह हदी हिम इलैही, और हिदायत देते हैं उनको अपनी तरफ सिरात मुस्तकीम की। यानी इस रास्ते पर चलकर मेरे घर तक आ जाओ। जो बंदा अल्लाह को पकड़ ले मजबूती के साथ, तो उसके घर तक का रास्ता अल्लाह के जिम्मा हो जाता है। यानी जब आप गलती करते हैं, भटकते हैं, तो यह दिल आपका मलामत करता है, जब तक कि आप सही रास्ते पर ना जाएं। दिल मलामत करता है। पहली बार गुनाह करने वाले का दिल धक धक करता है। ये क्या है? ये हिदायत और रहनुमाई। लेकिन जब नुक्ता सियाह पड़ गया और उसके बाद तौबा नहीं किया, तो फिर पड़ता रहा, पढ़ते पढ़ते अब ऐसा हो गया कि उसमें एहसास खत्म हो गया, हिस खत्म हो गई उसकी। ये मजमून को बयान करते करते मजबूत पकड़ने की मिसाल पेश किया अल्लाह ने। यहूदी तौहीद पर कायम नहीं थे, ईसाई तस्लीस पर आ गए थे, लेकिन जो अल्लाह को पकड़ लेते हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी हयात गुजारते हैं, यहां तक कि मारे मीरास में भी किसका कितना हक है उस महबूब माल को भी वैसा ही तस्लीम करके दे देते हैं। इन खुदा के हुक्म पर इस माल की मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। कौन नहीं है जिसके दिल में माल की मोहब्बत ना हो? माल की मोहब्बत फितरी है। वो तुहिबून अल माल हुब्बन जम्मा, तुम दिल से माल को चाहते हो, अल्लाह को फरमाते। फिर भी जब खुदा का हुक्म आया तो काम बीवी को इतना बटे इतना और भाई को इतना बटे इतना दे देना, माल को तकसीम करके हुक्म इलाही के मुताबिक दे देना। ये अलामत है कि माल की मोहब्बत फितरी है जरूर, लेकिन आपके हुक्म के ताबे है, आपकी मोहब्बत असली है। सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनका इंतकाल होने का वक्त हुआ, ऐसा ही लिखा है किताबों में, लेकिन उस मर्ज में वो इंतकाल नहीं फरमाए। उनको 7 बहनें थी, हज़रत जाबिर को 7 बहनें थी, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह का जब इंतकाल होने लगा, ग़ज़वे बदर जाने लगे, तो बुला के वसीयत किया था, बेटे मैं जा रहा हूँ कल जंग में, और मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, मैं बचने वाला नहीं हूँ, ये 7 बहनों के साथ सलूक अच्छा करना, तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, और मेरा जिम्मा जो कर्ज है वो भी अदा कर देना, ये कर्ज तेरे जिम्मा करके जा रहा हूँ। कैसा यकीन था इन सहाबा का? अभी जंग शुरू नहीं हुई है, कल जाना है, आज बेटे को बुलाकर वसीयत कर रहे हैं। बुखारी में तवील रिवायत है, बहुत तवील किस्सा है। वो कहते हैं मैं समझ गया कि कल शहादत रखी है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, वाकया अब्दुल्लाह का, इनका अब्बा का तवील किस्सा है। वो जंग में गए, शहीद हो गए। इन पर जो कर्जा था वो यहूदियों का था, वो किसी हाल में मानते नहीं थे, यहूदियों का कर्जा दुश्मनी। हजरत जाबिर परेशान हो गए, अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी ये किस्सा, ये माजरा है, कहा जाकर उनसे कहो थोड़ा मोहलत दे दें। आपका नाम सुनते ही और बिदक गए, कहा महाराज महाराज कुछ भी नहीं, एक बाग था, वही बाग उनकी किफारत के वास्ते भी था और वही बाग से कर्जा भी अदा करना था। उन्होंने कहा ये बाग है, ले लो कर्जा माफ कर दो। कहा नहीं नहीं, बाग में फल कम है, बहुत कम है, और कर्जा बहुत ज्यादा है, उस पर राजी नहीं हुए। हजरत जाबिर कहते हैं कसम खुदा की, अगर ये पूरा बाग ले लेते और कर्जा माफ कर देते तो मैं राजी था, और मेरे पास खाने को एक खजूर न होती तब भी खुश था, लेकिन यहूदी राजी नहीं हुए। आका ने फरमाया ठीक है, कल उनको बुला लो। तमाम जिनका बकाया था सब आ गए बाग के करीब, और आपने कहा तमाम खजूरों को तोड़ के ढेर में तब्दील कर दो, अलग अलग खजूरों का लगा, ये अजवा है, ये अंबर है, ये सफावी है, ये फला है, खजूरों के नाम जैसे आप आमों के नाम गिनते हैं, वो से नाम ऐसे वहां पर नाम थे। सबसे बेहतरीन खजूर लज्जत के अतबार से सफावी है, अलज और देखने में बड़ी मगज़ वाली अंबर है, और फजीलत में अजवा है, सबको अलग करा दिया। उसके बाद आका तशरीफ लाए और एक ढेर के अतराफ खड़े होकर कुछ पढ़ना शुरू किया। जनाब उमर कहते हैं मेरे दिल में यकीन था कि अब कर्जा अदा हो जाएगा और एक खजूर कम नहीं होगी, क्योंकि आप तशरीफ ले आए, आपने कहा बुलाओ जितने थे बकाया देने वाले कर्ज, सब के सब मौजूद थे, आपने नापना शुरू किया और देना शुरू किया, सब के कर्ज ज्यादा हो गए। रावी कहते हैं बहुत लगता था एक खजूर भी कम नहीं हुई है, एक खजूर कम नहीं हुई, सब के कर्ज ज्यादा हो गए। यही हजरत जाबिर हैं, इतना बीमार हुए कि लगता था कि अब मर जाएंगे, बीमारी का वक्त है। इस आयत के शान रजूल में यह वाकया नहीं है, यह वाकया मैंने तारुक में सुनाया कि ये कौन जाबिर है। मदीना में सबसे आखिर में जिन सहाबी का इंतकाल होता है वो हजरत जाबिर है, क्योंकि नबी के जमाने में कम उम्र थे, 10 या 12 साल के थे, इतने कम उम्र सहाबी हैं, 7 बहनों की किफारत करने वाले हैं, बीमार हो गए, लगता था कि अब खत्म हो जाएंगे। आका तशरीफ ले गए आयादत करने के लिए, मालूम हुआ कोई साथी बीमार पड़ जाए तो जाके घर पूछो, खाली मत पूछो, उसके लायक अगर कुछ काम कर सकते हो तो जरूर करो।
ये जमातों का यही मकसद है, नमाज में आए अपना चप्पल अपना जूता लिया और चले, किसी की खबर नहीं कौन आता था कौन नहीं आया, कौन क्यों नहीं आया। आज बहुतों का तारुफ वहां नहीं है, कौन किस काम के लायक है। अल्लाह की सलाहियतें अमानतें हैं आपके पास, हर एक दूसरे के काम में अगर ना आए तो मोमिन की शान नहीं है। नबी तशरीफ ले गए किसी के घर पे तो फिर किसको पहुंचता है, बोलेगा कि मैं बड़ा हूं मैं क्यों जाऊं, कोई बड़ा नहीं है, हर एक को पहुंचना चाहिए। हजरत जाबिर कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल मुझे खतरा है कि मैं कलाला हूं, न मेरे नीचे कोई न मेरे ऊपर कोई, न मेरा कोई बेटा न मेरे बाप मौजूद है, मुझको तो कलाला खाते हैं, ये मिराज क्या होगी मेरी, कैसे तस्लीम होगी। आपने कहा घबराओ मत, बाहर तस्लीम ले गए, फिर पलट के आए, कहा मेरा गुमान यह है कि तुम मरोगे नहीं, तुम शिफायाब होगे, तुम्हें अल्लाह बाकी रखेगा, तसल्ली दी आपने, और हकीकत में ऐसा ही हुआ, उस मर्द में आप बीमार नहीं हुए। लेकिन वो फरमाते हैं कि ये आयत मेरे इस सवाल के जवाब में नाजिल हुई कि कलाला की मिराज तस्लीम कैसे होगी। अल्फाज देखिए हदीस के, आका फरमाते हैं कि कलाला जिसका बाप ना हो जिसका बेटा ना हो, हाँ बहन और भाई हो तो कैसा हिस्सा मिलेगा। ये सफ्तून का लोग आपसे फतवा तलब करते हैं, कुल कह दो अल्लाह युफ्तीकुम, अल्लाह तुमको फतवा देता है, फिल कलाला कलाला के बारे में, इन्हीं मुरून अगर आदमी हालांकि मर जाए, लैसा लहू वलदुन नहीं है उसके वास्ते कोई वलद लड़का, वलहू उख्तुन हाँ उसके लिए बहन है, चाहे बहन माँ बाप शरीक हो या सिर्फ बाप शरीक हो, यानी आईनी हो या अल्लाह की हो, फलह निस्फ मा तरक तो उसके लिए आधा है जो उसने छोड़ा, बाकी आधा कहां जाएगा, अगर कोई असमा है तो लेगा वरना फिर लौट के नहीं पाएगी। वहू यदि सुहा और ऐसे ही अगर मरने वाला बजाय मर्द के औरत है तो औरत को भी ऐसा हिस्सा मिलेगा मर्द के हिस्से में से, वह वही सुहा और वो उसका वारिस बनेगा, इल्लम यकुल लहा वलद अगर ना हो उस औरत के वास्ते कोई लड़का, यानी ना असल हो ना फरा हो। फइन कानत इस्नतैन बस अगर वो दो हो दो बहने हो, फलहुमा तो उन दोनों के वास्ते अस्सुलुसान दो बटा तीन मिलेगा, मिम्मा तरक जो उसने छोड़ा है। वह इनकानो इखवतन रिजालन व निसा और अगर वो भाई बहन एक साथ ज्यादा हो, रिजालन व निसा मर्द भी हो औरतें भी हो तो एक दस्तूर है पुराना, पर ज़कर मिस्ल हज़्ल उनसैन तो मर्द के लिए हिस्सा है बराबर दो औरतों के। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए, अन तज़िल्लू यहां पर लाम पोशीदा है, अन ला तज़िल्लू ये कि तुम गुमराह ना हो जाओ, वल्लाहु बिकुल शैइन अलीम अल्लाह हर शय को जानने वाला है। इस आयत में हमें सबक क्या मिलता है कि ऊपर से तस्करा आया है कि देखो यहूदी हर धर्मी कर रहे हैं और ही तक में खपला ईसाई हर धर्मी कर रहे हैं, यहां तक कि तौहीद के बजाय तस्लीस को मान लेते हैं, लेकिन साहब कुरान की शान यह है कि ये मुसलमान तौहीद पर तो कायम है, अल्लाह को मजबूती से पकड़ने के बाद अदना दर्जे का अमल भी बिना हुक्म इलाही की रोशनी के नहीं चलता, यहां तक कि माले मिराज को भी खुदा के हुक्म और नबी की तफसीरात के मुताबिक खर्च करता है, जिंदगी पूरी ऐसा ही गुजारता है, इसी वास्ते रहमत का मुतहिद बनता है। तो शुरू में मिराज का बयान, बीच में फिर मिराज का बयान, आखिर में फिर कलाला का बयान, यह बताता है कि मिराज के अहकाम बहुत अहम है लेकिन लोग इससे गाफिल हैं। हदीस में इसको आधा इल्म कहा गया, मिराज का इल्म आधा इल्म है, क्यों, क्योंकि बदन और माल दो ही चीजें, बदन की इबादत आधा और माल की इबादत आधा, और ये माल की तस्लीम उसी आधे पर मुश्तमिल है, इसलिए सबसे अहम मसला यह है मिराज का, लोग मिराज समेट के खा जाते हैं और मारे मिराज को बराबर नहीं देते हैं, यह बहुत ज्यादा खतरनाक रुझान है। इस आयत में इशारा यह है अगर कोई कलाला भी है तो भी उसकी मिराज तस्लीम कैसी की जाए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु के सवाल के जवाब में यह आयत नाजिल हुई है, यहां पर सूरह निसा खत्म होती है, इंशाल्लाह आइंदा सूरह माईदा का आगाज होगा, अल्लाह ताला अमल करना आसान फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।